नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने रेडियल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं। जैसे रेडियल ड्रिलिंग मशीन का आपको इंस्पेक्शन अलाइनमेंट टेस्ट करना है तो क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उसमें मैंने 3 टेस्ट परफॉर्म किए थे। आज की वीडियो में उसमें जो 2 टेस्ट बाकी थे वो टेस्ट मैं कवर कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज 2 टेस्ट परफॉर्म करने हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे। तो टेस्ट कौन कौन से है? फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस, और सेकंड टेस्ट है परपेंडिकुलर ऑफ ड्रिल हेड गाइड टू बेस प्लेट। अभी कैसे रहता है कि ड्रिलिंग मशीन जो होता है, आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ड्रिलिंग मशीन का ये कॉलम है जिसके ऊपर ये आपका हेड जो है वो माउंट होता है, फिर नीचे बेस है, ये कॉलम आपके बेस पे माउंट है। इसके अंदर क्या होता है, एक स्क्वायर थ्रेड वाला स्क्रू रहेगा, और उसके ये जो आपका टेबल है उसके यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है जैसे आपको जॉब की हाइट रहेगी। अगर जॉब की हाइट कम है तो आप स्पिंडल नहीं नीचे ले सकते, मतलब उसका एक लिमिट रहता है कि जहाँ तक उसका लेंथ रहेगा उतना ही नीचे ले सकते हो। तो आप टेबल ऊपर लेके आपके मशीनिंग ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी ये क्या, फर्स्ट टेस्ट क्या है कि फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस। फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस मतलब क्या, कंसिडर करो आपका ये जो बेस है जहाँ पे आप जॉब माउंट करते हो, ये ऐसे बेस है और आपका ये ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल है, ये नीचे आके ऐसे जॉब परफॉर्म करके वापस ऊपर जाता है। लेकिन ये जो क्लैंपिंग सरफेस है, ये क्लैंपिंग सरफेस परफेक्टली फ्लैट है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इसके क्लैंपिंग सरफेस आपका ऐसा टिल्ट है और उसके ऊपर आपने क्या किया, जॉब रखा, तो आप जब ड्रिल करोगे तो आपका ड्रिल भी कैसे होगा, ऐसे एंगुलर डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे नहीं चाहिए। सेम ये डायरेक्शन में हो सकता है और ये डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसे टिल्ट। तो ये देखना है आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्लिप गेजेस है वो आप 2 स्लिप गेजेस लीजिए। स्लिप गेज का कैसा है, आपको पता है कि डायमेंशन एक उसका जो विड्थ है वो फिक्स होता है, उसका थिकनेस वेरी हो जाता है। मैंने क्या किया, 2 का यहाँ पे क्या किया, गेज ब्लॉक्स लिए, गेज ब्लॉक रखे और फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, स्ट्रेट एज रखा, 2 गेज ब्लॉक और उसके ऊपर मैंने क्या किया, स्ट्रेट एज ऐसे रखा। तो फिर ये दोनों में मुझको क्या करना है, गैप चेक करना है। ये दोनों में 0.1 से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए इसमें, और इसमें आपको क्या करना है, फिलर गेज डाल के देखना है और उसमें देखना है कि 0.1 से ज़्यादा आपका उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। तो आपको तो क्या पता चल जाएगा कि आपका बेस जो है वो ओके है या नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड टेस्ट है परपेंडिकुलरिटी ऑफ ड्रिल हेड गाइड टू बेस प्लेट। अभी ये जो बेस प्लेट है आपका, इसके साथ आपका परपेंडिकुलरिटी है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम डायग्राम में खाली आपको ये जो है ये निकाल देना है यहाँ से, और क्या करना है, स्पिरिट लेवल का यूज़ करना है। कंसिडर करिए स्पिरिट लेवल रहता है, एक स्पिरिट लेवल मतलब कुछ भी नहीं, मैंने वो कवर नहीं किया है वीडियोज़ में, कि एक स्क्वायर बॉक्स होता है उसके अंदर एक ट्यूब रहती है, ठीक है, वो ट्यूब के अंदर क्या होता है, ईथर या अल्कोहल रहता है और उसमें एक एयर का बबल छोड़ा जाता है। वो कभी भी अगर आपने फ्लैट सरफेस पे रखा तो वो जो बबल है वो सेंटर में रहना चाहिए और उसके ऊपर लाइन इंग्रेविंग लेती है। वो लाइन इंग्रेविंग से क्या कर सकते हो आप, कितने डायरेक्शन में एंगुलर टिल्ट है वो निकाल सकते हो। वो स्पिरिट लेवल क्या करना है आपको, यहाँ पे रखना है, ये लेवल पे, यहाँ पे पहले यहाँ पे रखो, उसका एंगुलर कितना टिल्ट है वो कैलकुलेट करो, वो देखो, फिर वही ये निकाल के क्या करना है आपको, ये बेस पे रखना है, फिर इसका रीडिंग नोट डाउन करना है, और ये दोनों का जो कुछ रीडिंग रहेगा वो आपके परमिसिबल लिमिट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसे ये 2 टेस्ट थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।